सफर है मीरा जानी के जंगलों का, मगर इससे पहले मैं तुम्हें इस सफर में अपने साथ लेकर चलूं और तुम्हें दिखाता हूं कि यहां पहुंचते कैसे हैं। अपने सफर का आगाज करो बाराकाओ से मरी की तरफ। अगर ड्राइवर आसिम भाई हो तो सीट बेल्ट बांध लेना। रास्ते में आएगा टूल प्लाजा, जिसके राइट साइड पर जाती मोटरवे और सीधा आता जीटी रोड। तुम ऐसा करो, कोई भी पकड़ लो, फिर तुम पहुंच जाओगे मरी से होते हुए नथिया गली। अब इतना सफर कर लिया है तो कहीं रुक कर नाश्ता कर लो। नाश्ता करते ही अपने सफर को जारी रखो। हथिया गली से 1 किलोमीटर पहले आएगा गवर्नर हाउस जाने का टर्न। ऐसा करो, इसे पकड़ लो और ये ले जाएगा तुम्हें मीरा जानी के ट्रैक पर। ये जी वो हाइकिंग ट्रैक है, वहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं एंड देन यहाँ से आपकी हाइकिंग जर्नी स्टार्ट होती है। इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं, सामने मीरा जानी पीक दिखाई दे रही है, लेकिन आपको बता दूं कि अभी ये रास्ता आधा भी नहीं हुआ। देखो भाई, जगह भी बहुत अच्छी है और ट्रैक भी बहुत मजे का, लेकिन अगर तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती तो बिल्कुल भी मत आना। लेकिन अगर तुम आ गए तो फिर ये टोटल एक पैसा वसूल जगह। बिल्कुल स्टीपर रास्ता है, बिल्कुल स्टीपर। ये देखिए, नौ बज के 40 मिनट पे हम लोगों ने अपनी हाइकिंग स्टार्ट की थी। इस वक्त बज रहे हैं पूरे 1, तकरीबन 10 मिनट पहले हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप कह लेंगे जी 3 घंटे की हाइकिंग है, और ये मैं आसमान की बुलंदियों में, चारों ओर कोरा ही कोरा। इस वक्त यहाँ पे आके 3-3.5 घंटे की थकान खत्म हो चुकी है, बिल्कुल टोटल खत्म। और इस वक्त मैं जो ये व्यूज एंजॉय कर रहा हूँ, घर बैठ के निकल सकोगे भाई? ये सामने जो है ये मुश्कपुरी टॉप है, और ये सामने एक टॉप है ये वाला। अब इसका हमें नाम बताया तो था, बट माजरत के साथ मैं भूल गया हूँ। हम यहाँ आ तो गए हैं और बारबेक्यू की तैयारी चल रही है इस वक्त, लेकिन जो एक मसला आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे नमी बहुत है हवा में, जिसकी वजह से आग नहीं लग रही कोयलों को। अच्छा, इतनी देर लगाने के बाद जिसमें एक बोतल, कई अदद शापर
और कुछ रैपर जो हमें आसपास से मिले थे। इसी तरह ये आग जला ली है के बाद बारबेक्यू का काम जो है वो शुरू किया जा सकता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापसी की जानिब। वापस उतरना इसलिए ज्यादा मुश्किल है कि आपकी टांगें जो है वो जवाब देना शुरू कर देती हैं, सुन हो जाती हैं, बेसिकली आपको फील ही नहीं होता कि आपकी टांगें आपके साथ हैं भी या नहीं। अभी एक बड़ा ठीक ठाक सफर तय करके वापस नीचे जाना है जी। वापसी पर अंधेरा होने की वजह से मैं ज्यादा वीडियोस कैप्चर ना कर सका, इसलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर खत्म और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।